आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कांग्रेस का आकलन, चार चरणों के बाद मोदी की हार तय। मोदी बोले, ना मैं गिरा और ना मेरी उम्मीदों की मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। इधर रीवा में गरजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कमलनाथ सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। अब मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर मतदान, बीजेपी और कांग्रेस में है सीधा मुकाबला। और इंदौर में सामने आया काली कमाई का कुबेर, आईडीए अधिकारी के यहां लोकायुक्त का छापा। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आकलन है कि इस चुनाव में भाजपा हारने जा रही है, चार चरणों के बाद मोदी की हार तय है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आकलन है कि इस चुनाव में भाजपा हारने जा रही है, चार चरणों के बाद मोदी की हार तय है। राहुल ने सर्जिकल स्ट्राइक पर मोदी के बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह सेना का काम है, सेना अपना काम कर रही है। सेना, वायुसेना या नौसेना नरेंद्र मोदी की निजी संपत्ति नहीं है, जैसा वह सोचते हैं। जब वह कहते हैं कि यूपीए के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक वीडियो गेम में की गई थी, तो वह कांग्रेस का नहीं बल्कि सेना का अपमान कर रहे थे। कांग्रेस की न्याय योजना मोदी की नोटबंदी योजना का जवाब है। उन्होंने कहा कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है। उन्होंने कहा कि कहीं भी चौकीदार बोलिए, जवाब मिलेगा चोर है। राहुल गांधी ने कहा कि अभी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। देश पूछ रहा है कि मोदी जी, आपने हमसे 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, उसका क्या हुआ? वह नौकरियों या किसानों के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलते, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। 2 करोड़ युवाओं से आपने कहा था कि साल में रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में एक पूरा चैप्टर, पहला चैप्टर जॉब्स का है, रोजगार का है। इसमें हमने पूरी लिस्ट बना रखी है, हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे, न्याय योजना का क्या फायदा, और पूरा लिखा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि कह नहीं सकते, है ही नहीं, ना कोई प्लान है और ना कोई रिकॉर्ड है। वही किसानों की बात है। पहले भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज फ्रेंकली आपको बोलूं, कहीं भी आप चौकीदार बोल दीजिए, एकदम जवाब आता है चोर है। तो बोलने का कोई कुछ बचा ही नहीं है। राफेल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मांगी गई माफी पर भी राहुल गांधी ने जवाब दिया। कहा, हाँ मैंने माफी मांगी, मगर इसलिए क्योंकि यह मामला कोर्ट में चल रहा है और मैं इस प्रक्रिया में बोल नहीं सकता था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और हमने उसे मान लिया, मगर मैंने पीएम मोदी या भाजपा से माफी नहीं मांगी है। राहुल गांधी ने कहा, राफेल मामले में पीएम ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी किए हैं। कांग्रेस के पास मोदी सरकार के कई और घोटाले की जानकारी है। कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी को ध्वस्त कर दिया है। सरकार के 2 से 3 और घोटालों का खुलासा करना है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी तरह मोदी को पत्रकार वार्ता करने की चुनौती भी दी। जाहिर है, राहुल गांधी कुछ बोलेंगे तो मोदी भी उसका जवाब देंगे। अब खबर प्रतापगढ़ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कहा कि नामदार कान खोलकर सुन लें, ये मोदी सोने की चम्मच लेकर और राज परिवार में पैदा नहीं हुआ है, ये मोदी भारत माँ की धूल फाँक कर बड़ा हुआ है, ये मोदी 5 दशक तक बिना रुके बिना थके सिर्फ भारत माता के लिए जिया है और भारत माता के लिए तपस्या की है। ना मैं गिरा और ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। लोकसभा चुनाव प्रचार में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चुनावी सभा को संबोधित करने प्रतापगढ़ पहुंचे और सभा में सपा और बसपा
पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोला। मोदी ने अपने संबोधन में कहा, अगर ये महामिलावटी लोग आपका ये उत्साह देख लेंगे तो शायद मैदान ही छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिस तरह ठान लिया है कि विकास के आगे उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है, इन महामिलावटी लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि अब बचा हुआ चुनाव बचाने के लिए कौन सा खेल खेला जाए। मोदी बोले कि अब वो कहने लगे हैं कि मोदी से तब तक नहीं जीत सकते जब तक मोदी की मेहनत और मोदी की देशभक्ति पर दाग ना लग जाए। नामदार कान खोलकर सुन लो, ये मोदी सोने की चम्मच लेकर और राज परिवार में पैदा नहीं हुआ है। सत्ता के लिए आप निर्दोषों के खून के वो निशान भूल सकती हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के दिल पर गांव लगा है, उत्तर प्रदेश की जनता ये कभी नहीं भूल सकती। भूल सकते हैं क्या? कोई भी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति भूल सकता है क्या? यहां की माताएं भूल सकती है क्या? यहां के नौजवान भूल सकते हैं क्या? भारत माता की संतानों के खून के हर कतरे का, हर कितरे का बराबर हिसाब लेने के लिए ही देश ने मुझे बिठाया है। मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार के अपने संकल्प पर अडिग रहना है। मजबूर और अवसरवाद की इस महामिलावट का पंजा बहुत खतरनाक है। महामिलावट के इस पंजे के 5 भयानक खतरे हैं। पहला खतरा भ्रष्टाचार, दूसरा खतरा अस्थिरता, तीसरा खतरा जातिवाद, चौथा खतरा वंशवाद और पांचवा खतरा कुशासन है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही वाकपटु आदमी है और बहुत नपातोला बोलते हैं। उनके बोलने के पीछे कहीं ना कहीं तमाम सारे अर्थ छुपे होते हैं। अब बात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 4 महीने के भीतर ही 281 करोड़ रुपए पकड़े हैं, अभी 55 महीने बाकी हैं, ऐसे में भ्रष्टाचार का अंदाजा लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया तो पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसका जवाब देगा। अमित शाह भाजपा उम्मीदवार जनार्दन मिश्रा के प्रचार के लिए रीवा पहुंचे। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष के नाते 8 विधानसभा में जीत को लेकर आभार प्रकट करने आया हूं। देश में हर तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। देश के 125 करोड़ लोग मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 8 करोड़ शौचालय बनवाए, 13 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिए, गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आयुष्मान योजना, इस योजना के जरिए ही 24,25,000 लोगों का ऑपरेशन कराया गया। अमित शाह ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 4 महीने के भीतर ही 281 करोड़ रुपए पकड़े हैं, अभी 55 महीने बाकी हैं, ऐसे में भ्रष्टाचार का अंदाजा लगाया जा सकता है। जो 70 साल तक इस देश में सरकारें चली, गरीब अपना इलाज नहीं करा पाए। सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल तक चली, राहुल बाबा की 4 पीढ़ियों ने शासन किया, 55 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, मगर गरीब कैसे जीता? मानो गरीब के घर में भगवान न करे कोई बीमारी आ गई, कैंसर हो गया, किसी लकवा मार गया, हार्ट अटैक आ गया, गुर्दा बदलाना है, लीवर बदलाना है, स्थिति क्या हो। इस मौके पर अमित शाह ने फिर से एक बार दोहराया कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम बने तो हम देश के धारा 370 को खत्म कर देंगे। जो भारत माता के टुकड़े होने की बात करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। अमित शाह ने महागठबंधन और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन का नेता कौन है ये अभी तय नहीं हो पाया है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। अभी बात हुई कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप
देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को एक युवक ने थप्पड़ मार दिया है। नई दिल्ली इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर एक शख्स इस तरह से चढ़ा के उन्हें लगा वो उनका स्वागत करना चाहता है, माला पहनाना चाहता है, लेकिन इस युवक ने सीधे अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ रसीद कर दिया। उसके बाद उस स्थल पर सनसनी फैल गई। आपके कार्यकर्ताओं ने पकड़कर इस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। युवक का नाम सुरेश बताया जा रहा है। इस युवक का कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का भला नहीं किया है, लेकिन वो दावे बड़े बड़े करते हैं, इसलिए वो गुस्से में था और उसने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है कि किसी राजनेता को थप्पड़ मारा गया हो। इस तरह की घटनाओं का विरोध किया जाना चाहिए। आप देखें कि लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहीं चप्पलें उछाली गई, कहीं जूता फेंक के मारा गया और अब अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा गया है। अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। लोगों को भी समझना होगा कि इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वहीं नेताओं को भी ये समझना होगा कि वो जो कहते हैं उसको पूरा करें और कहीं ना कहीं जनता के मन में जो आक्रोश बैठता है उसको दूर करें। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। अब खबर इंदौर से है। हमारे संवाददाता नितिन द्विवेदी ने बताया कि मध्य प्रदेश के मंत्री वोट के लिए लोगों को खुला प्रलोभन दे रहे हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने इंदौर में कहा कि इंदौर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज सिंघवी को वोट दो और 25 लाख रुपए का जिम खुलवा लो। इस बात की शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से भी की है और इस पूरे मामले का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मंत्री साफ साफ प्रलोभन देते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर में शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें पटवारी युवाओं को वोट के बदले 25 लाख रुपए का जिम का सामान देने का प्रलोभन दे रहे हैं। इंदौर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार पंकज संघवी के पक्ष में प्रचार के दौरान पटवारी ने कहा कि अखाड़े में कसरत करने वाले युवाओं को जिम का सामान देंगे, इसके लिए जगह और उसे बनाने का खर्च अलग रहेगा। वीडियो में पटवारी के पास संघवी भी बैठे हैं। पटवारी कह रहे हैं कि हमने आपकी पहले भी कई बार मदद की है। इस मामले में भाजपा के मुकेश सिंह रजावत ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतुल सिन्हा को शिकायत दर्ज करवाते हुए पटवारी और संघवी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने मंत्री द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एक सीडी भी सौंपी है। फिर से नया बच्चा ना, पूरा अखाड़ा का बच्चा ना कर, सबके इकट्ठा करो, जो भेज दे भैया। हाँ, 25 लाख रुपए की जिम, कितना की? 25 लाख रुपए, आधुनिक एक नंबर। 25 लाख रुपए को खाली जिम को सामान खाली घर नहीं बढ़ाना है, घर अलग से बनाएगा। तो यो पंकज संघवी का एक तरफ जीता हो, अपन सब बच्चा ना खोजो, 25 लाख की जिम जीतू पटवारी जब कांगा जब दी देगा, बिना भी जो क्यों करियो कि नहीं करियो करियो करियो। भाजपा के चुनाव संयोजक रमेश मेंदोला और नगर अध्यक्ष गोपी नेमा ने आरोप लगाया है कि मंत्री जीतू पटवारी मतदाताओं को प्रलोभन देकर वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी हार से भयभीत कांग्रेस प्रलोभन और धमकाने की राजनीति पर उतर आई है। अपर कलेक्टर भव्या मित्तल ने बताया कि मंत्री जीतू पटवारी ने मतदाताओं को 25 लाख रुपए का जिम का सामान देने की बात कही है। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। हालांकि इसकी शिकायत मेरे पास नहीं आई है, अगर आती है तो कार्यवाही की जाएगी। दूसरी तरफ जीतू पटवारी ने कहा मतदाताओं को किसी तरह का प्रलोभन नहीं दिया गया। मेरी विधानसभा में यदि मैं आचार संहिता के बाद विकास कार्य करने की बात कहता हूं तो उसमें उल्लंघन कैसा? पहले भी मैंने विधानसभा क्षेत्र में जिम निर्माण के लिए कहा था। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। चुनाव का मौसम है, नेताओं की कई बार बेबाक बयानी सामने आती है तो कई बार
वो शब्दों की मर्यादा लांघते हुए नजर आते हैं और कई बार इस तरह के किस्से भी आम होते हैं, जैसा जीतू पटवारी दिख रहे हैं सीधा सीधा खुला प्रलोभन देते हुए। और उसके बाद जीतू पटवारी ने कहा है कि मैं अपने इलाके में काम करता रहता हूँ, कई तरह की सफाइयाँ दी हैं इस पर, और लगता है कि नेता अब कुछ ज़्यादा ही बेशर्म होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में सोमवार को 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान होना है। पांचवें चरण में मध्य प्रदेश की जिन 7 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी, इनमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल शामिल हैं। सोमवार को मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण के मतदान में बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश की 7 सीटों टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में मतदान होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये 7 सीटें भाजपा की झोली में गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब समीकरण कुछ बदल गए हैं। इस बार भाजपा ने 7 में से 5 सीटों पर मौजूदा सांसदों को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस के नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है। यूं तो 7 सीटों पर कांटे का मुकाबला है, लेकिन सभी की नजर टीकमगढ़ पर टिकी है, जहां से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक चुनाव लड़ रहे हैं। वीरेंद्र 6 बार से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा खजुराहो और बैतूल में रोचक मुकाबला है। खजुराहो से भाजपा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विष्णुदत्त शर्मा को टिकट दिया है। वहीं बैतूल से दुर्गादास उइके मैदान में है। भाजपा ने इन्हीं 2 सीटों पर अपने सांसदों के टिकट काटे हैं। कांग्रेस ने खजुराहो से कविता सिंह को टिकट दिया है। कविता कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह की पत्नी है। बैतूल से कांग्रेस की ओर से रामू टेकम मैदान में है। टीकमगढ़ से कांग्रेस ने वीरेंद्र कुमार के खिलाफ किरण अहिरवार को उतारा है। किरण पूर्व आईएएस अधिकारी आरएन बैरवा की बेटी है। बैरवा दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। किरण के पति भी सरकारी अधिकारी हैं, जहां तीसरा दावेदार भी है ये है आरडी प्रजापति, जो पूर्व में भाजपा के विधायक रह चुके हैं और हाल ही में पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं। माना जा रहा है कि प्रजापति भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। सतना में मुकाबला इसीलिए दिलचस्प है क्योंकि यहां 3 बार से सांसद गणेश सिंह मैदान में हैं। 2014 में वे महज 8,688 वोट से जीते थे। पिछली बार अजय सिंह चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरे के रूप में राजाराम त्रिपाठी को टिकट दिया है। राजाराम 2009 में इसी सीट पर सपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। वहीं दमोह सीट पर भाजपा के 4 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का मुकाबला कांग्रेस के प्रताप लोधी से है। होशंगाबाद में भाजपा के 2 बार के सांसद राव उदय प्रताप सिंह का सामना कांग्रेस के शैलेंद्र दीवान से है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। चुनाव के इस पांचवे दौर में कई बड़े दिग्गज, जिनमें बीजेपी के कई सीटिंग सांसद हैं, जिनमें प्रहलाद पटेल हैं, वीरेंद्र कुमार हैं, इन सब की किस्मत पर ताले लगेंगे और जब मतगणना होगी तब निकल के आएगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। अब एक और खबर इंदौर से है। लोकायुक्त की टीम ने इंदौर विकास प्राधिकरण के सब इंजीनियर गजानन पाटीदार और उसके ठेकेदार भाई रमेश पाटीदार के अलग अलग 9 ठिकानों पर छापा मारा। छापे की कार्रवाई के दौरान बेहिसाब संपत्ति की जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, उनके घर से बड़ी मात्रा में नकदी और सोना चांदी भी मिला है। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक सब इंजीनियर गजानन पाटीदार केवल आईडीए में ही नहीं काम करते, बल्कि अपने भाई और रिश्तेदारों के साथ मिलकर जमीन की खरीद फरोख्त और कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं। इस काम में उन्होंने मोटा पैसा लगाया हुआ है। छापे के दौरान उनके घर से 25 लाख से ज़्यादा नकदी, इसके अलावा कई किलो सोना और चांदी भी बरामद हुआ है। इंदौर में एक और काली कमाई के कुबेर का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त पुलिस ने इंदौर विकास प्राधिकरण के सब इंजीनियर गजानन पाटीदार और उनके ठेकेदार भाई रमेश पाटीदार की पड़ताल की तो पता चला गजानन की 2010 में वे उपयंत्री के तौर पर स्थापना हुई। गजानन की सैलरी लगभग 55,000 है, लेकिन आय सारी सैलरी जोड़ ली जाए उससे कहीं ज्यादा है। शिकायत के बाद लोकायुक्त ने छापामार कार्यवाही की तो सर्चिंग में बड़ी संपत्ति का खुलासा हुआ है। गजानन पहले इंदौर विकास प्राधिकरण में ड्राफ्ट मैन के रूप में काम कर रहे थे। सरकार के द्वारा उन्हें पदोन्नति देकर सब इंजीनियर बनाया गया। शुरू से ही वे प्राधिकरण की प्लानिंग शाखा में ही काम कर रहे हैं। ये गजानन जी पाटीदार हैं, सब इंजीनियर आईडीए में। तो ये रहने वाले हैं खरगोन जिले के और वहाँ पे ऊन से गाँव क्षेत्र में इनका गाँव है और ये 1987 में आईडीए में ट्रेजर के पद पर लगे थे, अनुरक्षक के पद पर। 2009 में इनका पदोन्नति हुई थी सब इंजीनियर के पद पर। तो अभी ये उपयंत्री के पद पर पदस्थ हैं और लगभग 55,000 रुपया इनका कुल वेतन है। गिनती नहीं की गई है पर मोटे तौर पर लगभग 25 लाख रुपये कैश मिला है और ज्वेलरी का अभी हमने तोल वगैरह नहीं कराया है,
यहाँ पर सुनार को बुलाया जाकर उसके सामने ही सारी वो टंच कराकर सारी कार्यवाही की जाएगी जो शाम तक पूरी होने की संभावना है। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि कुल कितना कैश और कुल कितना आभूषण इनके यहाँ से बरामद। इंदौर प्राधिकरण द्वारा लाई जाने वाली किसी भी नई योजना का प्लान बनाने का काम शाखा के द्वारा किया जाता है और हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि प्राधिकरण की प्लानिंग शाखा से जानकारियां लीक हो जाती हैं, जिसके कारण प्राधिकरण की योजना के आने के पूर्व से ही योजना की जानकारी होने पर जमीन के जादूगरों के द्वारा जमीन की खरीद कर ली जाती है। इन जमीनों के खेल में पाटीदार का भी हिस्सा रहता है। प्राधिकरण के इंजीनियर गजानंद पाटीदार का भाई रमेश चंद पाटीदार बिल्डर के रूप में काम करता है। इस छापे के माध्यम से लोकायुक्त पुलिस के द्वारा यह जांच भी की जा रही है कि बिल्डर के इस कारोबार में उसके भाई के द्वारा अपनी सरकारी सेवा का किस तरह कितना उपयोग किया जाता था। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ये तो खुलासा था एक और काली कमाई के कुबेर का, और एक गीत जब जब बजता था तो इस तरह की घटनाएं याद आती हैं। एमपी जब है सबसे गजब है। और फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि हिंदुओं ने महाभारत रामायण काल में कितनी हत्याएं कराई हैं, बिना जंग के हिंदुओं का इतिहास नहीं है, फिर कैसे कह सकते हैं कि दूसरे धर्म ही हिंसक हैं। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने अजीब सा बयान दिया है। येचुरी गैर भाजपा दलों का प्रचार कर रहे हैं। येचुरी ने कहा हिंदुओं ने महाभारत रामायण काल में कितनी हत्याएं कराई हैं, बिना जंग के हिंदुओं का इतिहास नहीं है, फिर कैसे यह कह सकते हैं कि दूसरे धर्म ही हिंसक है। हिंदू राजाओं के ऊपर युद्ध किया, कितने लोग इधर से कितने लोग मरे हैं, पूरा का पूरा इतिहास ही मतलब ये जंगों का इतिहास है। हमने इतिहास में विश्वास नहीं है, उनको अपनी पौराणिक कथाओं में विश्वास है, कहते वही इतिहास है। पौराणिक कथाएं के लिए महाभारत और रामायण, उसके अंदर बिना हिंसा के और बिना राजनीतिक मतलब बिना जंग के कोई पौराणिक कथा है रामायण या महाभारत? अब ये कहना कि हिंदू कोई हिंसा ही नहीं कर सकता, अब ये तथ्य एक प्रचारक होने के नाते ये महाभारत और रामायण की कथा बोलते बोलते इतना तो होता है, जंग तो हुए हैं, हिंसा तो हुआ है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी गैर भाजपाई दलों का प्रचार करने के लिए निकले हुए हैं, और उन्होंने जब ये बात कही इसके बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है और साफ साफ कहा है कि सीताराम येचुरी जैसे लोग समाज में वैमनस्य फैलाना चाहते हैं और उनका हिंदू से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब खबर साध्वी प्रज्ञा भारती की। चुनाव आयोग ने भोपाल से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर चुनाव प्रचार करने पर 72 घंटे का प्रतिबंध लगाया था। साध्वी प्रज्ञा ने इस दौरान मंदिर मंदिर चक्कर काटे और भजन पूजन में भाग लिया। कुछ जगह साध्वी ने भजन गाए और झांझर भी बजाए। भोपाल से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहा तो वे सुबह से मंदिर के दर्शन के लिए निकल गईं। सबसे पहले वे शंकराचार्य नगर स्थित जैन मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने जैन मुनि से आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने राजेंद्र नगर के हनुमान मंदिर में आरती की और बाद में प्रगति नगर के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। फिर वे पुराना सुभाष नगर के शक्ति मंदिर पहुंची और जहां उन्होंने देवी पूजा की और वहां मौजूद समर्थकों के साथ भजन गाए। इस दौरान साध्वी ने कभी ढोलक की थाप पर भजन गाए तो कभी झांझर बजाने का अपना कौशल दिखाया।
साध्वी के साथ नरेला क्षेत्र के विधायक विश्वास सारंग भी मौजूद थे। दिन भर थोड़ा आराम करने के बाद वे शाम को फिर मंदिर में दर्शन करने पहुंची। शाम को उन्होंने बाबड़िया कला स्थित दुर्गा मंदिर और इसके बाद शीतल दास की बगिया स्थित मंदिर भी पहुंची। साध्वी पर भले ही चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन वे मंदिर मंदिर जाकर लोगों से मिलने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा, यहां तो वैराग्य कथा चल रही है। कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पूरे देश के लिए न्याय योजना लेकर आए हैं। अभिनेता से नेता बने राज बब्बर ने कहा, हमारी पार्टी लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने और उनको विकास की धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। न्याय योजना के माध्यम से गरीबों की थाली में खाना आएगा। कांग्रेस की न्याय योजना से बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी के रेल मंत्री कोल मंत्री को चुनाव लड़ाने की हिम्मत नहीं है, तभी तो कैसे कैसे लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। इनका तो बस नहीं चला, नहीं जेल में बंद लोगों से कहते चुनाव लड़ो। जो न्याय की योजनाएं हैं उनको लेकर चुनाव में है हमारी लड़ाई। इस देश की हमारी लड़ाई बेरोजगार नौजवानों की समस्याओं से है, हमारी लड़ाई किसानों की बिगड़ती हुई हालात। हम लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी, हमारे मुद्दे किसान, नौजवान, बेरोजगार, कर्मचारी और टूटे हुए व्यापारी आज हमारी लड़ाई। राज बब्बर ने मोदी पर हमला करते हुए कहा, हमने तो कई आतंकियों को ग्लोबल आतंकी घोषित करवाया था। अजहर मसूद को तो बीजेपी ही कंधार छोड़कर आई थी। पीएम मोदी बहुत जल्दी मियां मिट्ठू बनते हैं। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ये बात थी अभिनेता से नेता बने राज बब्बर की। उन्होंने जमकर राहुल गांधी का गुणगान किया और बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाए। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार से खफा ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। बुंदेलखंड के कई गांवों में सूखे के हालात बने हुए हैं और सरकार ग्रामीणों के लिए पानी के इंतजाम करने में फेल साबित हुई है। मजबूरन ग्रामीणों ने पानी नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया है। छतरपुर जिले के नौगांव ब्लॉक के गरौली गांव में ग्रामीणों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर मतदान का बहिष्कार करने की धमकी दी है। दर्जनों ग्रामीणों ने लिखित आवेदन देकर 6 मई को टीकमगढ़ लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के समय भी पानी की समस्या को लेकर उन्होंने आंदोलन किया था, लेकिन प्रशासन ने कोरा आश्वासन देकर हमारे आंदोलन को समाप्त करवा दिया था। लेकिन इस भीषण गर्मी में ग्रामीण महिलाएं और बच्चे 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लेने जाने को मजबूर हैं। यहाँ पे सर गरौली में मेन मुद्दा पानी की बहुत बड़ी समस्या है और सुबह से उठ के 5 बजे से सब लोग मतलब पानी के लिए घूमते हैं और 3-3-4 किलोमीटर तक पानी लेने जाना पड़ता है। और सर पहले तो यहाँ पे कई बार नेता लोगों से बोला भी है पानी के लिए, और कई बार आए हैं। जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी बोला गया था कि हाँ आपकी पानी की समस्या की समाधान किया जाएगा, लेकिन उसमें कोई भी अभी मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला है वहाँ से।
और बराबर सर वही 3-4 साल से पानी की समस्या बनी हुई है। हमारे यहाँ पानी की कोई बहुत समस्या है, इसीलिए हम पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ कोई प्रशासन आता है तो यहाँ कोई सुनाई नहीं होती है, और हमारे यहाँ कोई यह सरपंच भी यहाँ है तो अभी नहीं, यहाँ लाइन करा उस मोहल्ले में सब कुछ होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। पिछले साल 3 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी के लिए, हमारे बच्चे फिरते हैं रात में और हम भी जाते हैं, तो इसकी ऐसी समस्याओं को हल करना चाहिए सरकार को कि नहीं करना चाहिए। इसलिए हम अब कोई भी आएगा वोट मांगने के लिए हम उसको वोट नहीं देंगे। ऐसा है कि पानी की कमी है हमारे पास और लोग ये कहते हैं कि पानी नहीं है हम वोट नहीं देंगे, पर ये गलत है क्योंकि पंचायत के पास इतना पैसा नहीं है कि हम वो पाइपलाइन डाल सकें। हमने अपना विज्ञापन नल विभाग को भी, एसडीएम को भी, तहसीलदार को भी दी थी। चुनाव से पहले भी ग्रामीणों ने पीने के पानी के लिए सरकार से गुहार लगाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से वे नाराज हैं। सरकार की नाफरमानी से नाराज ग्रामीणों ने वोट न डालने का फैसला किया है, जबकि इस गांव से यूपी और एमपी को पानी देने वाली धसान नदी भी बहती है, लेकिन फिर भी यह गांव पीने के पानी को लेकर प्यासा है। वही गांव की सरपंच का कहना है कि गांव के पीने के पानी को लेकर उन्होंने प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन प्रशासन ने उनके गांव की सुध नहीं ली है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। एक दर्दनाक खबर जो गरीबी से जुड़ी हुई है, भोपाल के बड़े तालाब में एक महिला उसकी 2 बेटियों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि गरीबी से परेशान महिला का अपने पति से विवाद हुआ था, जिसके बाद वह बेटी का इलाज कराने के लिए निकली थी और बड़े तालाब में कूदकर खुदकशी कर ली। घटना शीतलदास की बगिया के पास तालाब में हुई, जहाँ गोताखोरों ने इन माँ और उनके 2 बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक इनको ढूंढा गया तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। 30 वर्षीय लक्ष्मीबाई बस्ती भैंसाखेड़ी में रहती थी। महिला की 2 बेटियां और 1 बेटा है। महिला के बेटे को पिछले कुछ दिनों से डेंगू हो गया है, तब से उसका इलाज जारी है, लेकिन पैसों की कमी के चलते बेटे का इलाज कराने में दिक्कत आ रही है। कल इसी बात को लेकर महिला और उसके पति अविनाश में विवाद हो गया। इसके बाद महिला अपनी दोनों बेटियों को लेकर सीहोर जाने के लिए निकल गई, लेकिन वहां जाने के बजाय दोनों बेटियों के साथ बड़े तालाब में छलांग लगा दी। जब तक तीनों को पानी से बाहर निकाला जाता तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। अविनाश ने बताया कि उनकी पत्नी लक्ष्मी बेटी को झाड़फूंक कराने के लिए बाबा के पास सीहोर जाने के लिए घर से निकली थी। उसने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रहे फोटो से मौत की सूचना मिली। उनसे बताया कि बेटे के इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, कर्ज भी बढ़ गया था, जिसको लेकर दोनों में विवाद हुआ था। उसने पत्नी से कहा था कि वह आत्महत्या कर लेगा, जिस पर लक्ष्मी ने कहा कि आप बेटे का ख्याल रखना, मैं मर जाती हूँ। अविनाश ने कहा कि इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वो कदम ऐसा उठा लेगी। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। और अब खबर वीडियो वायरल की। देश में सत्ता का फाइनल हो रहा है, लेकिन चुनाव से इतर लोग अपने अपने तरीके से देख रहे हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। कुछ इलाकों में भैंसों की लड़ाई के जरिए ये देखा जा रहा है कि मोदी भारी है या कोई और। भैंसों की लड़ाई तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इसके जरिए यह भी पता किया जा सकता है कि राजनीति में कौन किस पर भारी है। इन दिनों यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। चुनावी मौसम में अगर भैंसों की लड़ाई हो और उन भैंसों पर राजनेताओं के नाम लिखे हों, तो आप समझ सकते हैं कि यह भी शक्ति परीक्षण का एक तरीका है। एक भैंसे पर 56 इंच मोदी और दूसरे पर अखिलेश यादव लिखा है, और अब दोनों का मुकाबला गजब की जोर आजमाइश है। एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ अखिलेश। अखिलेश ताकत जरूर लगा रहे हैं, लेकिन ये क्या, मोदी ने तो अखिलेश को एक जोरदार झटका दिया और मोदी के सामने दूसरा टिक नहीं पाया और मैदान छोड़कर भाग गया। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, और जब चुनाव आते हैं तो किस्म किस्म के रंग बिरंगी तस्वीरें हमें देखने के लिए मिलती हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज़, दखल आपके हक में। और अब हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं जर्जर भोपाली को, जो आपको सुनाएंगे भैरन समाचार। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, इस समय तो नेताओं को जाने क्या क्या करना पड़ रहा है। दिन में शोक सभाओं में जाते हैं, रात में शादियों में जाते हैं, दिन में आंसू बहाते हैं, रात में ठहाके लगाते हैं।
बताऊँ ये यदि एक्टिंग करनी पड़ती है, बहुत ही एक्टर बनना पड़ता है बता रहा हूँ चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, एक वो आजम खान है जो यूपी के, वो कुछ भी बकते रहते हैं। इस बार उन्होंने चुनाव अधिकारियों पर ही वो दबिश डाल दी, बताओ उन पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया चुनाव आयोग ने, 48 घंटे मुँह नहीं खोल सकते। और मैं बता रहा हूँ आचार संहिता को है ना, ये नेता लोग आचार संहिता समझ रहे हैं, आचार बना के रख दिया बता रहे हूँ। हाँ, ऐसा तो चल रहा है। और ये खबर इधर से आ रही है, देखो ये जो एती है ना हिमानव, उसके भारतीय सेना ने वो उसके निशान पाए हैं बर्फ पे, उसके पांव दिखे उनको जाते हुए, वो उन्होंने रिकॉर्ड करके लाए। और इस पर भी राजनीति शुरू कर दी लोगों ने, बता वो तरुण विजय कह रहे हैं उनको उनको जानवर नहीं बोलना चाहिए। अरे मानव है, ठीक है माना। और वो दूसरे है उमर अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं कि भाजपा ने हिमानव को है ना चुनाव में उसका फायदा उठाएगी। मैंने कहा समझ नहीं आ रहा है क्या, हर चीज़ को मतलब पॉलिटिक्स करना जरूरी है। और एक खबर ये देख लो, शिवसेना ने है ना बुरके पर प्रतिबंध लगाने की मांग करी है, प्रज्ञा भारती ने इसका समर्थन कर दिया है। और मैं कह रहा हूँ ये तो मांग ये सब ठीक है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ये जो नेता लोग हैं इनकी जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर जो बुरका डला हुआ है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और बताते कुछ और हैं। हाँ बता नहीं, ऐसा चल रहा है। और एक हमारे ये बड़े उद्योगपति हैं नेस बाड़िया साहब, इनने हमारी नाक कटवा दी जापान में जाकर, छुट्टियां मनाने गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे क्या है इनके पास ड्रग्स वगैरह पकड़ा गया। अब मैं कह रहा हूँ ड्रग्स वगैरह लेना है घर पे ही ले लो ना, वहाँ क्यों जा रहे हो इतनी दूर, ऐसा दिमाग खराब हो रहा है। और ये खबर ये थोड़ी सी अच्छी खबर है बता रही हूँ, तो चाइना आप क्या है मसूद अजहर पे जो प्रतिबंध लगाने का थोड़ा सा मन बन गया है इनका। मैं कह रहा हूँ बना लो मन, जब धमाके होंगे ना बम धमाके तब समझ में आ जाएगा क्या होता है आतंकवाद। हम लोग है ना बरसों से भुगत रहे, हम जानते हैं। और ये बेकार खबर हो रही है बताओ, भोपाल से भोपाल ये बच्ची है कोचिंग से गायब हो गई, बताओ उसके साथ बलात्कार वगैरह हुआ है, उसकी हत्या हो गई। और मैं कह रहा हूँ पुलिस की पता नहीं क्या करती रहती है और प्रशासन क्या कर रहा है, मेरे को पता नहीं बता, ऐसे लोग जाहिल लोग कैसे ये काम कर लेते हैं बता रही हूँ। मैं तो इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए सीधी। और मैं चला मेरा दिमाग खराब हो गया, फांसी का फंदा बनवाने जा रही हूँ। नमस्कार। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।